नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं बैंकिंग गुरुजी। दोस्तों, आज जो पजल हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो केनरा पीओ के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था और ये पजल हमें भेजा है प्रियंका चौहान ने। सो थैंक यू प्रियंका हमारे साथ इस पजल को शेयर करने के लिए। तो दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने में है, आप लोग इसको देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये पजल 3 वेरिएबल्स के साथ है, तो चलिए आपने कोशिश की होगी, तो चल अब हम इसको देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 8 पर्संस ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर लिविंग फॉर 3 डिफरेंट सिटीज, दिल्ली, मुंबई एंड पटना। देखिए, 8 पर्संस हैं वो लोग, 3 डिफरेंट सिटीज़ हैं, दिल्ली, मुंबई और पटना, उन तीनों शहर के लिए लिव कर रहे हैं, ठीक है, जा रहे हैं। ईच सिटी इज विजिटेड बाय एटलीस्ट 2 पर्संस बट नॉट मोर देन 3 पर्संस, यानी कि कम से कम 2 लोग जा सकते हैं हर शहर में और मैक्सिमम 3 लोग जा सकते हैं। 2 से कम नहीं जाएंगे और 3 से ज़्यादा नहीं जाएंगे हर शहर में, ठीक है। ईच वन ऑफ देम लिविंग ऑन ए सेम डे एट डिफरेंट टाइम, 1 PM, 2 PM, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 PM, ठीक है। यानी कि सभी लोग सेम डेट में जा रहे हैं और सभी के जाने का टाइम फ्रेम अलग अलग है, 1, 2, 3 इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ देखना कि हमारे पास 8 अलग अलग टाइम फ्रेम्स दिए हुए हैं, या और पर्संस भी हमारे पास 8 है, यानी कि एक टाइम पे बस एक ही पर्सन जाएगा, 1 से ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। 8 पर्संस और 8 टाइम फ्रेम्स हैं इसीलिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके बाद कंडीशंस दी हुई है और कंडीशंस को हम लोग देखेंगे और नोट डाउन करेंगे और साथ ही साथ सॉल्व भी करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा कि किस डायग्राम पे ये सॉल्व होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे डायग्राम बनेगा। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो कि हमारे पास 8 डिफरेंट टाइम फ्रेम्स हैं और 8 पर्संस हैं, यानी कि एक टाइम पर बस एक ही बंदा जाएगा, ठीक है। और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से हमारे पास टाइम फ्रेम्स दिए हुए हैं, यानी कि एक फ्लोर बेस्ड अरेंजमेंट हमारी बनेगी। कैसे बनेगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने इसे कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग जो पर्संस होंगे उसको यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम लोग सिटीज़ को नोट डाउन करेंगे, ठीक है। और इस प्लेस पे जो भी हमारी पॉसिबिलिटीज़ बनती जाएगी उस पॉसिबिलिटीज़ को नोट डाउन करेंगे। अब देख लो, हमारे पास 3 डिफरेंट सिटीज़ हैं, कौन कौन से? एक तो आपका दिल्ली हो गया, एक फिर मुंबई हो जाता है और फिर एक पटना हो जाता है, ठीक है। अब हमें क्या पता है कि कम से कम 2 लोग जाएंगे, ठीक है, यानी कि मिनिमम 2 लोग तो जाने हैं। कितने पर्संस? 6 पर्संस हुए। और ये भी पता है कि मैक्सिमम 3 लोग जा सकते हैं। हमारे पास टोटल कितने पर्संस हैं? 8 पर्संस हैं, ठीक है। कम से कम 2 जाने पे हमारे पास 6 पर्संस हो रहे हैं, लेकिन 8 पर्संस भेजना है हमें और मैक्सिमम 3 पर्सन जा सकते हैं, ठीक है। यानी कि 3, 3, 2 ये हो जाता है हमारा एक, यानी कि इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि 2 सिटीज़ में हमारे 3 पर्सन जाएंगे और एक ही सिटी ऐसा होगा जहाँ पर कि 2 पर्सन जाएगा। तो टोटल पर्सन हो जाते हैं हमारे 8, ठीक है। तो इस ये चीज़ क्लियर है कि 2 सिटीज़ होंगे जहाँ पर कि 3 पर्सन जाएगा और एक ही सिटी ऐसा होगा जहाँ पर कि 2 पर्सन जाएगा, ठीक। चलिए अब आगे कंडीशंस देखते हैं और सॉल्व करते हैं। बोला जा रहा है ई लिव्स फॉर मुंबई विद ओनली द पर्सन हु लिव्स ऑन 5 पर्सन, ठीक है। यानी कि ई जो है वो कहाँ जा रहा है? मुंबई जा रहा है, ठीक है। किसके साथ जा रहा है मुंबई? वो उसके साथ जा रहा है विद, जो कि 5 PM को जाता है, यानी कि 5 PM वाला भी कहाँ जाएगा? मुंबई जाएगा, ठीक है। अब देख लो क्वेश्चन पे, एक चीज ध्यान से देखना कि वहां पे लिखा हुआ है ई लिव्स फॉर मुंबई विद ओनली द पर्सन, ठीक है। यानी कि ई सिर्फ और सिर्फ 5 बजे जो निकलता है उसके साथ में ही मुंबई जाएगा, ठीक है। यानी कि मुंबई में बस 2 पर्सन ही जाएंगे। यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो जाती है क्योंकि ई ओनली 5 PM वाले के साथ में मुंबई जा रहा है, तो मुंबई में कितने लोग जाएंगे? 2 जाएंगे, 2 से ज़्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ से हमें ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि मुंबई में 2 जाएंगे तो बाकी के दिल्ली में 3 जाएंगे और फिर पटना में भी 3 पर्सन ही जाएंगे, ठीक है। तो दिल्ली में 3 पर्सन, पटना में 3 पर्सन और मुंबई में 2 पर्सन, ठीक। ये चीज़ हो गई यहाँ से। अब देख लो, इसको हम लोग फटाफट से नोट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या पता चला कि 5 PM वाला कहाँ जाएगा? मुंबई जाएगा। तो 5 PM वाला कहाँ गया? मुंबई गया, ठीक है। इसको हम लोग फटाफट से नोट डाउन कर लिए यहाँ पर, ठीक। अब ई जो है वो मुंबई जाएगा, लेकिन किस टाइम पर जाएगा वो क्लियर नहीं है, लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि वो किसके साथ जा रहा है? 5 बजे वाले के साथ में जा रहा है, यानी कि ई 5 बजे तो नहीं जाएगा, ये चीज़ क्लियर है। तो ई को हम लोग यहाँ पर लिख कर काट देते हैं, ठीक है, क्योंकि 5 बजे ई नहीं जाएगा, ये क्लियर है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। नो वन लीव्स फॉर डेली ऑन और बिफोर 3 PM, यानी कि ना तो 3 बजे और ना ही 3 बजे से पहले कोई भी बंदा डेली जाएगा, ठीक है। तो 3 बजे के बाद जो भी टाइम है उस टाइम पर डेली जा सकता है। तो चलो सभी में को हम लोग नोट कर लेते हैं, कंडीशंस भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग पॉसिबिलिटी नोट कर लेंगे तो आंखों के सामने रहेगा, तो हमें फिर उसे
क्रॉस करने में आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख ही लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर डेली आ सकता है, यहाँ पर डेली आ सकता है, यहाँ पर डेली नहीं आ सकता है क्योंकि यहाँ पर मुंबई आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर मुंबई आ चुका है तो डेली यहाँ नहीं आएगा। फिर डेली आपका यहाँ आ सकता है, ठीक है, डेली यहाँ आ सकता है, और फिर लास्ट में डेली यहाँ आ सकता है। ठीक है, देख लो, चार प्लेसेस हैं हमारे पास डेली के, सिर्फ चार ही हैं, और आने कितने में हैं, आने हैं हमारे तीन में, यानी कि इन चारों में से बस एक ही प्लेस क्रॉस होगा, बाकी के तीन पर तो डेली रहेगा, ये चीज़ कन्फर्म है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डी लिव्स विद द वन हु लिव्स ऑन 4 PM। डी जो है वो जा रहा है 4 PM वाले के साथ में, यानी कि जहां पर डी जाएगा वहां पर ही 4 PM वाला भी जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है। उसके बाद ई डज नॉट लिव ऑन 4 PM, ई 4 बजे लीव नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि ई को हम लोगों ने यहाँ पर लिखकर भी काट दिया, दो प्लेसेस से ई कैंसिल हो चुका है। अब देखो, देखो ई को जैसे ही हमने यहाँ पर 4 बजे काटा, ठीक है, तो वहां से हमें एक चीज और क्लियर हो जाती है। क्या क्लियर होती है? कि डी हमारा मुंबई नहीं जा सकता है, मुंबई नहीं जा सकता है। कैसे नहीं जा सकता है वो समझना ध्यान से। ठीक है, अब देखो, हमें क्या पता है कि मुंबई में 2 पर्सन ही जाने हैं, दो से ज्यादा तो नहीं जा सकते। ठीक है, या और मुंबई 5 बजे वाला मुंबई जा रहा है। ठीक है, तो डी को हमें 5 बजे लेना होगा क्योंकि 5 बजे वाला मुंबई जा रहा है। ठीक है, और डी को 5 बजे लेना होगा। अगर डी को हमने 5 बजे लिया, ठीक है, तो डी किसके साथ में जा रहा है? जो कि 4 बजे जाता है। ठीक है, और 4 बजे वाला तब हमें ई लेना होगा। क्यों? क्योंकि ई 5 बजे वाले के साथ में जा रहा है। ठीक है, ई को हम यहाँ लेंगे, लेकिन हमें क्लियर है कि ई यहाँ पर नहीं जा सकता है। ठीक है, अगर ई यहाँ पर नहीं जा सकता है, यहाँ पर नहीं जा सकता है, तो कहीं और आएगा। और अगर डी को मुंबई लेंगे तो 4 बजे वाला भी मुंबई ही आएगा, और एक ई भी मुंबई का ही है, यानी कि तीन बंदे मुंबई से हो जाएंगे फिर। तो यहाँ से हमें क्लियर होती है कि डी मुंबई तो फिर किसी भी हाल में नहीं जा सकता है। अगर डी को मुंबई लेंगे तो यहाँ पर ही लेना पड़ेगा, और डी को 5 पर लेंगे तो 4 बजे के साथ में जाएगा, तो ई फिर 4 बजे आएगा, लेकिन ई हमारा 4 बजे नहीं आ रहा है। क्लियर है? यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ से कि डी हमारा मुंबई नहीं जाएगा क्रॉस। ठीक है, अब आगे देख लो, समझ गए होंगे इस चीज़ को आप लोग, उम्मीद करता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। ई लिव्स बिफोर बी बट आफ्टर द जी, यानी कि ई जो है वो बी से पहले जाता है लेकिन जी के बाद आता है। ठीक है, जी के बाद आएगा लेकिन बी से पहले जाएगा। ठीक है, इस तरीके से लिख लिए हम लोग यहाँ पर। अब देख लो, मिनिमम 1 पर्सन लिव बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच में मिनिमम 1 पर्सन रहेंगे, यानी कि यहाँ से ये चीज़ क्लियर होती है। देख लो, ए और डी के बीच में मिनिमम 1 है। ठीक है, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं लेकिन एक से कम नहीं होंगे, यानी कि ए और डी लगातार टाइम पे नहीं जाएंगे। ठीक है, लगातार में ये दोनों नहीं जाएंगे। ठीक, समझ में आ गई ये चीज़। अब आगे बोला जा रहा है, बी एंड जी लिव्स फॉर द सेम सिटी बट नन ऑफ देम लिव्स फॉर डेली। ठीक है, बी और जी सेम सिटी जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ, बी जी सेम सिटी, ठीक है, सेम सिटी, लेकिन ये दोनों डेली नहीं जाएंगे। ठीक है, डेली नहीं जाएंगे। उसके बाद इसको नोट कर लिया हम लोगों ने यहाँ पर। ठीक है, फिर एच एंड बी लिव्स फॉर द सेम सिटी, एच और बी भी सेम सिटी ही जाएंगे। देख लो, बी जी सेम सिटी जा रहे थे तो एच और बी भी सेम सिटी जाएगा, तो जी भी तो उसके साथ में ही है, यानी कि एच, यहीं पे हम लोगों ने एक कॉम्बाइंड करके ही एक कंडीशन नोट कर लिया कि एच बी और जी ये तीनों सेम सिटी में ही जाएंगे, और बी जी डेली नहीं जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है एच बी डेली नहीं जाएगा। ठीक है, अब देख लो, ये तीन बंदे एक साथ हैं, एक ही शहर में जाएंगे, और हमें पता था कि मैक्सिमम तीन लोग ही एक शहर में जाएंगे, यानी कि जिस शहर में भी ये एच जाएगा, बी जाएगा, जी जाएगा, उस शहर में इन तीनों के अलावा कोई और नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देख लो, ये दोनों, ये तीनों डेली नहीं जा रहे हैं। ठीक है, डेली नहीं जा रहे हैं तो बचते हैं कौन कौन से शहर? मुंबई और पटना। ठीक है, मुंबई में 2 पर्सन ही आने हैं, और यानी कि ये दिल्ली तो नहीं जा सकते थे, मुंबई भी नहीं जा सकते हैं, तो बचता है सिर्फ और सिर्फ पटना, यानी कि ये तीनों आपके जाएंगे कहाँ? पटना में जाएंगे। ठीक है, पटना में जाएंगे, कंफर्म है? ठीक है, अब देख लो, यहाँ से हमें एक और चीज़ पता चल जाती है। क्या पता चल जाती है? डी हमारा मुंबई में नहीं जा सकता था, और यहाँ पर ये तीनों पटना में हैं, तो डी हमारा फिर पटना में भी नहीं जाएगा, क्योंकि तीन बंदे तो आ ही रहे हैं डी पटना के लिए, है ना, तीन से ज़्यादा होने नहीं है। तो यानी कि यहाँ से हमें ये चीज़ भी क्लियर हो जाती है कि डी मुंबई तो आ नहीं रहा था, फिर पटना भी नहीं आ रहा है, तो बस तक सिर्फ एक ही शहर है, कौन सा? दिल्ली।
यानी कि कंफर्म है कि डी हमारा दिल्ली जाएगा, ठीक है, सही, डी हमारा दिल्ली जाएगा, ठीक, ये चीज़ हमें यहाँ से पता चल जाती है। चलो अब आगे देखते हैं, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आगे देख लो, ए लीव्स ऑन 8 PM, ए 8 बजे जाता है, ठीक है, ए 8 बजे, यह तो क्लियर है, तो यहाँ पे हम लोगों ने नोट कर दिया। अब आगे, सी डज नॉट लीव बिफोर एफ, सी जो है एफ से पहले नहीं जाता है, यानी कि सी एफ से पहले नहीं जाएगा, तो जाएगा आखिर कैसे, जाएगा ऐसे, एफ के बाद जाएगा, ठीक है, एफ के बाद जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है, इसको हम लोगों ने यहाँ पे सही तरीके से नोट कर लिया है, तो बस एक काट देते हैं, इस तरीके से जाएगा, समझ में आ गई ये चीज़। चलो अब आगे, मिनिमम 1 पर्सन लिव बिटवीन ई एंड बी, ई और बी के बीच में, यहाँ पर है जी ई बी, इस तरह से थे, तो यहीं पर नोट डाउन कर देते हैं कि यानी कि ये वाला पर्सन यहाँ पर मिनिमम 1 पर्सन तो रहेगा, ठीक है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इतनी चीज़ पता है कि ई और बी लगातार में नहीं आएंगे, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो उसके बाद ई डज नॉट लीव ऑन 3 PM, ई जो है वो 3 बजे नहीं जाएगा, यानी कि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर हम लोगों ने फिर से ई को लिख कर काट दिया, ठीक है, यानी कि ई के लिए 3 प्लेसेस हमारी कट चुकी है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो अब हमें क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, सारे कंडीशंस हमने नोट डाउन कर लिए हैं, बहुत सारी चीज़ बैठा भी चुके हैं, तो चलिए अब हम लोग इसको सेट करेंगे, तो ध्यान से देखना कि कैसे हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखना, ई के 3 प्लेसेस हम लोगों ने काट दिए हैं यहाँ पर, ठीक है, तो अब ई के बारे में ही सबसे पहले देखते हैं। देखो यहाँ पर ई के बारे में हमने नोट करके रखा हुआ है कि ई के ऊपर में जी आएगा और नीचे में बी आएगा, लेकिन नीचे में बी भी आएगा तो कैसे कि लगातार नहीं होगा, ठीक है, जी में भी लगातार हो जाए लेकिन ई और बी लगातार नहीं होंगे, ठीक है। तो चलो अब ऊपर से ही देख लेते हैं, अगर ई को हम लोगों ने सबसे पहले ऊपर में रखा, अगर एक नंबर पे ई को रखा, तो एक के ऊपर में तो कोई टाइम फ्रेम है ही नहीं, तो जी को कहाँ बिठाएंगे, नहीं बिठा सकते, तो जाहिर सी बात है कि ई हमारा 1 पर नहीं आएगा, तो 1 को भी ई, 1 पे भी ई को लिखकर हम लोगों ने काट दिया, ठीक है। अब देखो बी के लिए, अब देखो नीचे से देखते हैं, ई के बाद बी आना है नीचे में, ठीक है, अब देखो सबसे नीचे में लास्ट में ए पहले से हमारा बैठा हुआ है, यानी कि यहाँ पर ई या बी कोई भी नहीं आ सकता है, तो अगर 7 पे ई को रखेंगे, ठीक है, तो ई के नीचे में बी आना चाहिए, है ना, लेकिन 7 पे ई रखेंगे तो ई के नीचे फिर बी आ नहीं सकता है, यानी कि ई हमारा 7 पर भी नहीं आएगा, ई को हमने यहाँ पर भी लिख कर काट दिया, ए पर भी काट ही देते हैं, चलो ठीक है। अब देख लो ये वाली पोजीशन पे ई नहीं आ सकती है, तो ई यहाँ पर आ सकती है, ठीक है, अगर ई को हम लोगों ने यहाँ पर रखा तो बी को हमें यहाँ पर रखना पड़ेगा, ठीक है, अगर बी को, ई को यहाँ पर और बी को यहाँ पर रखेंगे तो दोनों लगातार में आ जाएंगे, और हमें पता है कि लगातार में नहीं आने हैं, मिनिमम 1 पर्सन तो उनके बीच में रहेगा ही, यानी कि यहाँ से ये भी चीज़ क्लियर हो जाती है कि ई हमारा यहाँ पर भी नहीं रहेगा, ठीक है, ई हमारा यहाँ पर भी नहीं आया, कट गया, देख लो सारे प्लेसेस हमारे ई के कट चुके हैं, बस एक ही प्लेस बच रही है, ठीक है, यानी कि कन्फर्म है कि ई हमारा यहाँ पर ही आएगा, ई को यहाँ पर फिक्स कर दो, और ई हमारा कहाँ जा रहा है, मुंबई जा रहा है, ठीक है, मुंबई आ गया, ठीक है। उसके बाद ये भी चीज़ पूरी नोट हो चुकी है, अब देख लो ई के ऊपर में जी आना है, ठीक है, तो ई के ऊपर में बस एक ही प्लेस खाली है, तो जी हमारा यहाँ पर ही आएगा, जी कहाँ जा रहा था, देख लो यहाँ पर हमने नोट करके रखा हुआ था कि जी पटना जाएगा, जी पटना जाएगा, ठीक है, नोट कर लो यहाँ पर, ठीक। अब उसके बाद क्या पता है हमें कि ई से एक छोड़कर कहीं भी बी आएगा, ई के नीचे में बी होगा, लेकिन बी कहाँ होगा, कम से कम एक का गैप तो होना ही चाहिए, ठीक है, तो बी हमारा ये वाले पोजीशन पर नहीं आ सकता है, बी कहाँ कहाँ आ सकता है उसको यहाँ पर पॉसिबिलिटी में नोट कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर आ सकता है, 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 यहाँ पर तो ए पहले से ही बैठा हुआ है, यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। अब देख लो यहाँ पर एक चीज़ हमें दिख रही है कि डी हमारा पता है कि दिल्ली से आएगा, ठीक है, डी दिल्ली से आएगा तो वो जा रहा है 4 बजे वाले के साथ में, यानी कि 4 बजे वाला भी दिल्ली ही जाएगा, ठीक है, कन्फर्म है, तो 4 बजे में हम लोग डेली लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमने डेली लिख दिया, फिक्स कर दिया, और डेली लिख दिया है तो यहाँ पर से बी तो कट जाएगा, क्यों, क्योंकि बी हमारा पता है पटना जाएगा, डेली नहीं जाएगा, ठीक है, तो डेली तो हमने नोट कर दिया है, तो यहाँ से भी क्रॉस कर ही देते हैं, ठीक है। चलो तो डी के लिए कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बन रही है उसको भी हम यहाँ पर नोट डाउन कर देते हैं, देखो डी हमारा कहाँ जाएगा, डेली जाएगा, ठीक है,
डी दिल्ली जाएगा, और दिल्ली के लिए बस ये तीन प्लेस बच रही है, और एक पर तो ए आ चुका है पहले से, ठीक है। तो बस ये दो प्लेस बच रही है डी के लिए, ठीक। और हमें यहाँ पर देखो ये भी पता है कि ए और डी के बीच में मिनिमम 1% तो होने चाहिए, यानी कि ए और डी लगातार नहीं होंगे, तो डी हमारा यहाँ भी नहीं आ सकता है, ठीक है। तो डी के लिए ये पोजिशन भी तो कैंसिल हो गई, तो बचती है सिर्फ और सिर्फ एक ही पोजिशन, ये वाली, ठीक है। क्यों? क्योंकि डी 4 बजे वाले के साथ में जाएगा, तो 4 पर तो डी नहीं आएगा। यहाँ पर फिर मुंबई है, यहाँ पर भी डी नहीं हो सकता है, और यहाँ पर डी की बस एक पोजीशन ये बचती है, तो डी हमारा यहीं पर आएगा, और डी हमारा जा रहा था डेली, तो देख लो यहाँ भी डेली के लिए प्लेस है, ठीक है। तो डी को हम यहाँ पर फिक्स कर देंगे, और डी कहाँ जा रहा है? डेली जा रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा, तो यहाँ से फिर बी भी कट जाएगा, और यहाँ से भी कट जाएगा, ठीक है। डेली हमने यहाँ पर लिख दिया है, तो ये वाली कंडीशन भी हमारी पूरी नोट हो चुकी है, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्रॉस कर देते हैं। अब देख लो ये ए और डी के बीच में मिनिमम 1%, तो ये भी हमने यहाँ पर नोट कर लिया है, ठीक है। अब बस बहुत ही कम कंडीशंस बचे हुए हैं, अब हमारा फटाफट से सॉल्व हो जाएगा। और देख लो यहाँ पर हमने बी को नोट करके रखा हुआ था, लेकिन बी के बारे में हमें पता है कि बी पटना जाएगा, और ये वाली प्लेस तो मुंबई के लिए फिक्स है, तो यहाँ पे हमें बी को नोट नहीं करना है, ठीक है। बी की यहाँ ये वाली पॉसिबिलिटी भी कट जाती है, ठीक। गलती से अगर जैसे मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया, आप लोग भी अगर गलती से कट लोगे तो बाद में दिख ही जाएगा कि देख लो यहाँ पर मुंबई है और बी हमारा पटना जाना है, तो यहाँ पर तो बी आएगा नहीं, ठीक है। तो अब बी के लिए देख लो बस एक ही पॉसिबिलिटी बच रही है, बी हमारा यहाँ पर ही आएगा, कन्फर्म है। तो बी हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक है। बी जैसे ही यहाँ पर आया तो बी पटना जा रहा था, बी को आप नोट डाउन कर दो पटना, ठीक है। तो यहाँ से बी खत्म, और दिल्ली के लिए ये वाली पॉसिबिलिटी भी खत्म, और ये वाली बस दिल्ली के लिए एक बच रही है। और दिल्ली में कितने लोग जा रहे हैं? 3 लोग। तो हमारे पास अभी तक कितने हो गए हैं? देख लो, एक हो गए हैं, दो हुआ है, दो ही लोगों को अभी तक दिल्ली बिठाया है, और एक पॉसिबिलिटी दिल्ली की ये वाली बच रही है। तो जाहिर सी बात है कि ए हमारा दिल्ली जाएगा, ठीक है, ये भी खत्म। अब देख लो सारे सिटी हमारे नोट हो चुके हैं, बस एक ही सिटी बच रही है। कौन सी बच रही है? दिल्ली हमने तीनों नोट कर लिया है, मुंबई भी हमारा 2 नोट हो चुका है, पटना हमने देख लो 1 नोट किया है, उसके बाद दूसरा नोट किया है, तीसरा नोट नहीं किया है, यानी कि कंफर्म है कि ये वाली प्लेस पटना वाले के लिए ही होगी, है ना। तो यहाँ पर पटना हमने नोट डाउन कर दिया, तो पटना के लिए कौन सा बच रहा था? देख लो एच बच रहा था, क्यों? क्योंकि एच और बी और जी ये 3 आने हैं, तो जी आ चुका है पटना, बी आ चुका है पटना, तो एच बच रहा है, तो ये वाली प्लेस तो एच के लिए हो गई फिक्स। अब देख लो दो ही प्लेसेस हमारी बच रहे हैं, तो वहां के लिए हमने यहाँ पर नोट करके रखा हुआ था कि पहले एफ आएगा, उसके नीचे सी आएगा, ठीक है। तो पहले हमने एफ को दे दिया, फिर नीचे में सी को दे दिया। तो आप लोग देख सकते हो कि दोस्तों इस तरीके से हमारी टोटल अरेंजमेंट कंप्लीट हो चुकी है, हमारे 8ों लोगों की पोजीशन टाइम फ्रेम के साथ नोट डाउन है, और कौन कहाँ जा रहा है वो भी हमने नोट डाउन कर लिया है। तो हमारी पजल हो चुकी है यहाँ पर सॉल्व। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये पजल आपको बहुत ही पसंद आया होगा, और ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा, और पूरी पजल आपको अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कर दें, और अब तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।